हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, पेट्रोल एंड डीजल फिलिंग टिप्स एंड टेक्निक सीरीज का ये पार्ट 26 है। इस सीरीज के पिछले सारे वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए, पेट्रोल डालते समय पेट्रोल पंप में पेट्रोल को चोरी करने का एक बहुत ही पुराना ट्रिक है, और आज भी जब मोस्टली पेट्रोल पंप्स में जो पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन है वो सॉफ्टवेयर के हेल्प से उनका लाइव डेटा, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन सब के द्वारा मॉनिटर और सुपरवाइज किया जाता है, फिर भी इस एक पुराने ट्रिक के हेल्प से आज भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल की चोरी की जाती है। इस ट्रिक का नाम है शॉर्ट फ्यूलिंग बाय डिस्ट्रैक्शन। और अगर आपको इसके बारे पहले से पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो आपको जरूर से पता होना चाहिए। और इस एक ट्रिक को पेट्रोल पंप में दो अलग अलग तरीके से भी यूज किया जाता है। दोनों ही तरीकों के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, यह एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे शेयर जरूर कर दे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फिर देखिए, पहले तरीके की मैं बात करता हूं। तो आप पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी को लेकर गए पेट्रोल भराने के लिए। आपने पेट्रोल पंप वाला जो बंदा है उसे मान लिया एग्जांपल के लिए कि आपने कह दिया कि 500 रुपए का पेट्रोल भर दो, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है कि जो मशीन है उसमें डेटा सेट कर देता है और आपको ये भी कहता है कि सर एक बार आप देख लो जीरो। आप देखते हो कि हाँ, रीडिंग तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, और फिर वो पेट्रोल भरना शुरू कर देता है और 100 रुपए के करीब में जाकर वो पेट्रोल भरना बंद कर देता है। मैं एग्जांपल के लिए 100 रुपए मान रहा हूं, ठीक है। फिर आप कहते हो कि मैंने 100 नहीं 500 रुपए बोला है, 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। फिर वो बंदा कहेगा, अच्छा सॉरी सर, मैंने सुना नहीं, मुझे ध्यान में नहीं था, मैं मीटर को जीरो करके 400 रुपए का और पेट्रोल डाल देता हूं। और फिर से वो जो मीटर है, जो मशीन है, उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसी वक्त में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरा बंदा आपको बातों में उलझाएगा। कुछ भी कह सकता है, सर कैश पेमेंट करना है या कार्ड पेमेंट करना है, पीयूसी बनवाना है क्या, सर इंजन ऑयल चेक कराना है क्या, सर कूलेंट चेक कर दूं, कूलेंट चेंज कर दूं, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी स्कीम, कुछ भी बता सकता है। और थोड़ी देर के लिए भी आपका जो नज़र है, आपका जो ध्यान है, वो मीटर से भटकता, आप दूसरे बंदे से बात करने लगते हो, उसी वक्त में जो पहला बंदा है वो क्या करता है कि मीटर को बिना जीरो किए ही 100 रुपए से ही पेट्रोल दोबारा भरने से चालू कर देता है और 400 रुपए में जाके रुक जाता है। आप फाइनली मीटर में जब देखते हो तो आपको 400 रुपए दिखाई देता है। आपको ऐसा फील होता है कि शुरू में मेरी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डाला गया, बाद में 400 रुपए का डाला गया, टोटल 500 रुपए का, और आप 500 रुपए दे देते हो। लेकिन एक्चुअली में तो 500 का पेट्रोल डाला ही नहीं गया, शुरू में उसने 100 रुपए का डाला, उसके बाद 100 रुपए से स्टार्ट करके 400 में रोक दिया, यानी कि 300 रुपए का डाला, यानी कि टोटल आपको 400 रुपए का तेल जो है पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी में डाला गया और आपसे 500 रुपए ले लिया गया। तो इस तरह से इस ट्रिक को आज भी यूज किया जा रहा है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो पेट्रोल पंप के ओनर्स वगैरह है उन्हें इस तरह की जो धोखाधड़ी, उनकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, उनका जो मिलीभगत नहीं होता है। मोस्टली जो पेट्रोल डालने वाले बंदे होते हैं इनका आपस में सेटिंग होता है, और इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के कम पेट्रोल डाला जाता है, ज्यादा पैसे लिया जाता है। तो मीटर में जरूर से ध्यान दे। अब देखिए, इसी सेम ट्रिक को एक दूसरे तरीके से भी पेट्रोल पंप में यूज किया जाता है, और उन लोगों के साथ ज्यादा यूज किया जाता है जो थोड़े लापरवाह होते हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल भराते समय। मैं आपको बताता हूं कैसे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप फिर से गए, मान लिए पेट्रोल पंप में, गाड़ी आपने लगाई, आपने जो फ्यूल टैंक है उसे खोल दिया, आपने, मैं मान लेता हूं एग्जांपल के लिए, आपने कह दिया कि 700 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अब देखिए, इन केस ऐसा हम मान लेते हैं कि आपसे जस्ट पहले जिस बंदे ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया है उसने 200 रुपए का पेट्रोल डलाया है, और जो मशीन है वहां पे 200 रुपए शो हो रहा है, आपने कहा है 700 रुपए। अब 700 रुपए बोल के आप अपना मान लीजिए मोबाइल में लग गए, बिजी हो गए, या फोन आ गया, कॉल आ गया, आप कॉल में बिजी हो गए, या अगर आप इस तरह से बिजी नहीं है तो दूसरा बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सेम वही तरीका, कार्ड, कैश, पीयूसी, इंजन ऑयल, कूलेंट, कुछ भी बोल के आप मगन हो, मस्त हो, अपना बॉस से बात कर रहे हो, आपने देखा ही नहीं कि 200 से जीरो हुआ कि नहीं हुआ, और वो बंदा क्या करता है कि 200 रुपए से ही पेट्रोल भरना शुरू करता है और जाके 700 रुपए में रोक देगा। यानी कि एक्चुअली कितना पेट्रोल डाला गया, 200 से 700, यानी सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल डाला गया। आपने फाइनल रीडिंग देखा, आपको 700 दिखाई दिया, आपको लगा हाँ भाई 700 का तो पेट्रोल आ गया, आपने 700 रुपए दे दिए। तो इस तरह से भी, इस ट्रिक को इस तरह से भी यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जब पेट्रोल का कीमत इतना ज्यादा है, प्राइस मोस्टली जगह पर तो 100 रुपए से ज्यादा ही हो गया है, तो इस टाइम पे इस तरह का धोखाधड़ी से आपको बचना चाहिए। आपको हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि पेट्रोल डालने से पहले जो
रीडिंग है वो जीरो होना चाहिए। और फ्रेंड्स चूंकि आप तो इस बारे में जान गए हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर करो, उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये जो फ्रॉड का तरीका है इसके बारे में पता चल जाए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल भराते समय। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।